गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उर्स के मौके पर कारण विश्रामस्थल में किस तरीके से व्यवस्था है, किस तरीके से दुकान लगी हुई है और वहाँ पे क्या माहौल है, और जो जायरीन आते हैं उनके लिए फ्री में रहने के लिए क्या व्यवस्था है, दरगाह की तरफ से हमको बहुत आराम, और इसी साथ में ऑटो टेम्पो वगैरह कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को अजमेर शरीफ से कारण विश्रामस्थल लेके चलूंगा जहाँ पे उर्स वगैरह भरता है, और इसी के साथ में मतलब जो पब्लिक ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के आसपास नहीं रुक पाती क्योंकि वहाँ पे रेटें वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए कारण विश्रामस्थल में रुकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और बहुत सारी पब्लिक आती है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखने का मोल रहता है। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो जो कोई भी अजमेर शरीफ नहीं आ पा रहा है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं कारण विश्रामस्थल, और यहाँ पे ये टेंट टाइप का लगा है और बाकी ये कुछ इस तरीके से है, मतलब यहाँ पे रुक भी सकते हैं जायरीन वगैरह। ये देखो काफ़ी सारे टेंट लगे हैं और काफ़ी सारे टेंट लगना बाकी है। ये भाई लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इतने सारे टेंट लगेंगे यहाँ पे। दुकान लगे उधर है वो, तैयारी हो रही है। क्या नाम होगा आपका? अमित भाई। तो मस्जिद भी बन के तैयार हो गई है? मस्जिद अपने घर का ही है, मस्जिद अपने नमाज अदा हो गई है। अच्छा, यहाँ मस्जिद बन गई। जाहिरी नाना स्टार्ट हो चुके हैं, आइए इनसे पूछते हैं किस जगह। साथ मेरा दोस्त है साहिल जैन, वो इनसे पूछे हैं कहाँ से आया, बाकी बताते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी करके। कहाँ से आप लोग आए? प्रतापगढ़ यूपी से आए हो? तो मतलब हर साल आते हो आप लोग? अच्छा, हर साल आते हैं। तो मतलब ये तो देखिए हमारी चाची बता, आइए इनसे जानकारी लेते कितने सालों से आ रहे हैं ये अजमेर शरीफ उर्स में। 8 बार हो गया, यानी 8 साल से आते हुए लगातार हो गया। पहले बस से आते थे, तीसरा पीढ़ी है। अरे बाबा क्या बात है, सही है। तो मतलब पहले बस से आए थे पर इस बार ट्रेन से आए। चलो अच्छा, मतलब ये कि गरीब नवाज के उर्स में आना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, खाने पीने का भी सब इंतजाम लेके आए होंगे तुम लोग यहाँ? चलिए बढ़िया, खुद खाना बनाएंगे, खुद खाएंगे और उर्स मेला में जाएंगे, सही है। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरीके के कुछ टेंट लग जाएंगे यहाँ पे काफी सारे, ये देख सकते हो आप लोग। बाकी काफी बड़ी जगह है कारण विश्रामस्थल, और यहीं पर ही मेला भरता है, यहीं पर ही बस रुकती है अधिकतर। पहले विश्रामस्थल में रुका करती थी बस, लेकिन वहाँ पे तो पानी भर चुका है, अब तो कंट्रोल हो चुका है, मतलब ज्यादा ही पानी भर चुका है। तो अब जो भी बसें रुकती है कारण विश्रामस्थल में बहुत ज़्यादा बस है, तो इसलिए यहाँ पे रुकते हैं मेले में और यहीं पर ही लोग घूमते खाते और मतलब जो होता है वो सब करते हैं, और बाकी टेंट लग रहा बड़े बड़े। ये देखो इसमें नहाने वाने की व्यवस्था नहीं होती इधर कहीं? नहाने वाने की व्यवस्था कहाँ पे? अच्छा, एक अच्छा लिख रखा जनाना मर्दाना। तो अभी तो काम चल रहा है, कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा मेला? सर 5 दिन में हो जाएगा। नहीं सर, कल जुमरात है, कल से पब्लिक आने लग जाएगी, परसों से पब्लिक आएगी नहीं यहाँ पे। इतनी पब्लिक आ जाएगी? 5 से 10 लाख पब्लिक आती है। ये जितनी भी जगह दिख रही है सारी कवर हो जाएगी, ये सारी कवर हो जाएगी है ना, मतलब मेहमान परेशान नहीं होंगे इसलिए टेंट वगैरह लगा दिया। और नहाने पीने की सब जगह की सब व्यवस्था है यहाँ पे। चलो, और काफी सारी दुकानें वगैरह भी लगी है यहाँ पे। तो ये देखो, अगर आप लोगों को बस बाहर भी उतारते तो यहाँ पे अंदर ऑटो भी आता है, वहाँ से ले लेके आ जाएंगे आप लोगों को। ये देखो उर्स मेला स्टार्ट होने वाला, तो कितनी सारी पब्लिक आना स्टार्ट हो चुकी है देखो। और यहीं पर ये सामने आप लोग देख रहे हो, यहीं पर ही बस रुकती है, तो अभी तो बस आ नहीं रही है, बाहर तक ही आ रही है। तो ये देखो अंदर ये सब जायरीन जो भी है ये सब टेम्पो में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जायरीन ख्वाजा आना शुरू हो चुकी है, जायरीन ख्वाजा की आमद स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह दरगाह शरीफ से। ये देखिए उर्स के मौके पे यहाँ पर देख सकते हो उर्स मेला चल्लू होने वाला है, तो उससे पहले मतलब ये वजू खाना बना दिया गया, 1-2 दिन बाद में पानी भी भर देंगे इसमें ताकि पब्लिक वजू वगैरह कर सके। तो वैसे आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जैसे कि अजमेर शरीफ में फ्री मेडिकल वगैरह या फ्री दवाइयाँ वगैरह मिलती है ना, जैसे किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए वो सब यहाँ पे भी होता है। ये देखो ये बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी दवाई वगैरह की सुविधा रहती है, दवाई वगैरह मुफ्त में मिलती है और ये सब। और ये ऑफिस भी बना हुआ है यहाँ पे, अगर कोई घूम जाए तो आप लोग कंप्लेंट वगैरह लिखा सकते हो, तो अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो जिससे कोई भी घूमता नहीं है यहाँ पे। मुसाफिर खाना, और जो अलग से पर्सनल कोई घुमटी बनवाता है तो उसका पैसा लगता होगा? उसका तुम टेंट वाले से बात करोगे कितने दिनों के लिए, 5 जनों के लिए, 4 जनों के लिए, 10 जनों के लिए लगवाओगे, तो उसका पैसा लगे। इसका ये सब फ्री है? जी फ्री। चलिए बढ़िया, कहाँ से है बाबा अपन? बरेली शरीफ से आ रहे हैं? वाह, कितने साल से आ रहे हो चाचा अजमेर शरीफ आप? मैं 1946 से आ रहा हूँ। 1946 से, मतलब काफी लंबा सफर हो गया आपका, यानी 10-12 साल तो 10-12 बार तो आ गए आराम से? 8 साल तो इसमें हो गए लगाते हुए। अच्छा, दुकान भी लगाते हैं आप?
चलो बढ़िया है चाचा, दुकान भी लगाते हैं। नाम क्या है चाचा आपका? अब्दुल रशीद। कहाँ से आते हो हर बार? बरेली। बरेली से, क्या बात है। तो जैसे कि आप लोग इसके अंदर रुकते हो तो इसके अंदर तो कोई भी चार्जेस नहीं लगता, जैसे कि चाचा ने बताया आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकती है, देखो इस तरीके से बना हुआ है, और ये 3-4 फ्लोर का बना हुआ है। ये देखो ऊपर भी, और ऊपर चल के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे रहते हैं तो कुछ भी चार्जेस नहीं लगता। ये देखो आप लोग इसमें रहते हो ना, तो ये 3-4 फ्लोर का ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे तो कोई भी चार्जेस लगता नहीं है। मतलब आराम से रहो जैसे वो लोग रह रहे हैं, एकदम फ्री है। ये देखो इतने सारे पब्लिक रुकी हुई, आना शुरू हो गई, मतलब 2 दिन बाद तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और यहाँ पे ये पानी वानी की व्यवस्था करवाई हुई इन्होंने। ये देखो सब जगह ये कैंप वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे 2-3 बने हुए, उधर भी बना हुआ, इधर भी बना हुआ। मुसाफिर खाना बोलते हैं इसको, जायरे ने खा जाए, इसमें रुकते आके। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये आ गए हम लोग 4थी मंजिल पे। इससे ज़्यादा ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर भी इंतजाम करा गया, नीचे पर्दे लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छा काम। आइए इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं, और इनसे पूछते हैं कितने सालों से आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है इनको फ्री में रहने की। अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा। मतलब दरगाह कमेटी के जाने से जो काम होता है ये पूरा बढ़िया है। ठंडी का मौसम है तो कपड़ा से जो घेराव है ना, इससे हवा नहीं अंदर आएगा। सही है सही है, बहुत बढ़िया काम कर दिया। मतलब तो इस बार उर्स को लेकर के कैसी इच्छा है आप लोगों की, उत्साह कैसी है, मतलब चाहत या कुछ एक्साइटेडपन? हम लोग को तो चाहत बहुत अच्छा है बाबू, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं खाजा का दरबार में। क्या बात है माशाल्लाह, मतलब हाँ। गरीब नवाज बुलाते हैं और आप आते हैं? हम आते हैं। कहाँ से आए दादी आप? कलकत्ता से। अरे दादा कोलकाता वाला है? ठीक है। हर साल लॉकडाउन गिरा था ना, हाँ। उस टाइम में भी हमको 3 टिकट मिल गया था, गया था। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है। वही आते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। सही बात है। तो अभी किससे आए, बस से आए और ट्रेन से? नहीं, हम ट्रेन से ही आए। ट्रेन से आए? ट्रेन से आए। अच्छा एक बात बताओ, एक बोर्ड बात है कि जैसे मैं देखता हूँ दरगाह बाजार में होटल वगैरह रूम वगैरह मिलता है, वहाँ क्यों नहीं रुकते आप लोग? नहीं, हम लोग का गरीब आदमी है बाबू, तो ऐसा थोड़ा मुसाफिर खाने में फ्री में रुकने को मिलता है दरगाह की तरफ से। दरगाह की तरफ से हमको बहुत आराम है ना, बहुत आराम है। हम आते हैं, आज हम 35 साल से आ रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, तो रहने का खाने मतलब रहने बहुत, का बहुत, लंगर बहुत, का खाने वाने का सब इंतजाम है? अच्छा इंतजाम है यहाँ। अच्छा मतलब जो लोग, आप ये मैसेज देना चाहते हो, जो लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते महंगे महंगे होटल के रूम का पैसा दे के, तो वो यहाँ रुक सकता है। यहाँ पे लंगर वगैरह का भी व्यवस्था होती है, और नहाने धोने का पानी की सब व्यवस्था है ना। बहुत आराम, बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादी ने काफी अच्छा मैसेज दिया, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। देखिए ये अभी आप लोगों को खाली दिख रहा है, 2 दिन बाद में पूरा भर जाएगा, यहाँ पे इतने मुसाफिर आते हैं। तो ये देख लो, आप लोग देख सकते हो ये पूरा टेंट वगैरह लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको, पर्दे वगैरह पैक करती ताकि ठंडी हवा अंदर नहीं आवे इसलिए, और बाकी काफी अच्छी व्यवस्था कर रही है मतलब यहाँ पे। ये देखो पब्लिक आना शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो कितनी सारी पब्लिक आ चुकी है, और पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे। आप लोग देख लो हर जगह जगह कैंप लग चुके हैं काफ़ी बड़े बड़े, और यहाँ पे मेडिकल वगैरह के सब चीज़ के कैंप लगते हैं, पीने के लिए नहाने के लिए सारी व्यवस्था रहती है। और ऐसे ही आप लोग देख सकते हो, मतलब जो भी अजमेर शरीफ में रुक नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे होटलें भी फुल हो जाती है, और रेट मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है, तो इस कारण यहाँ पे रुकते हैं। ये देख लो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे कायड़ विश्राम स्थल में। तो जहाँ पर हमें मिले हैं फैजान हुसैन भाई, जो कि दरगाह कमेटी कर्मचारी हैं, तो अब हम इन्हीं से थोड़ी सी जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे ये सामने बन रहा है, ये क्या, ये कौन सा एरिया है? ये कहलाते हैं डोम, जिसके अंदर जितने भी मुसाफिर होते हैं उनके रहने का इंतजाम होता है। ये 3 डोम है, बाकी डोम ये रहे बड़े वाले, करीब 15 डोम बनते हैं 15 डोम, और 2 डोम बनते हैं नमाज के लिए, जो आपको दिखाई देंगे व्हाइट कलर। अच्छा ये जो नमाज के लिए 2 डोम बनते हैं, अच्छा कितने डोम बनते हैं पूरे पूरे? टोटल 17 डोम है, 15 रहने के 2 नमाज के। अच्छा 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 माशाल्लाह। और ये जो बड़ी बड़ी पक्की पक्की इमारतें बनी जैसे यहाँ पर भी बनी, सब मुसाफिर खाना है? ये सब मुसाफिर खाना है? बिल्कुल, सब में मुसाफिर रहेंगे, सारे ख्वाजा साहब के जायरीन इसमें रहेंगे। अच्छा सारे ख्वाजा साहब के जायरीन रहेंगे। ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसमें, इसके अंदर भी जायरीन ठहरते हैं, 1 फ्लोर पे करीब 1000 आते हैं, 4 फ्लोर की है तो करीब 4000, एट अ टाइम 1 लाख कह सकते हो आप, 1 से 1.5 लाख आ जाते हैं। बिल्कुल, ये सेक्शन ऐसा ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि वॉशरूम का एरिया है ये वाला। अच्छा, बाकी जो दुकानें भी हाँ, ये पूरा प्रशासनिक एरिया है, ये प्रशासन वाला है। अच्छा यहाँ पूरा प्रशासन चलेगा, यहाँ पे क्या क्या होगा? और एक मैंने देखा पर्सनल कैंप भी बनाते हैं लोग, पर्सनल कैंप बनाते हैं लोग, उनको बनवा के भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जब ये डोम फुल हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर रहेंगे। अच्छा, जो डोम में नहीं रहना चाहता सोशली, अकेले रहना चाहता, उनके लिए कैंप्स हैं। कैंप्स क्या चार्ज लगता होगा? कुछ भी नहीं, वो भी फ्री है, यहाँ कहीं भी रहो कुछ भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, दुकान का लगता है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो, आप कहीं भी रहते हो कोई चार्ज। अच्छा, कोई उसमें नहीं रहना चाहता फैमिली वाला, तो अलग से अपना कैंप में रह सकता है।
अच्छा, डोम में नहीं रहना चाहते। नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा। तो चार्ज लगता होगा ना, छोटे छोटे कैंप बने हुए। नहीं नहीं नहीं, चार्ज किसी चीज का नहीं है। अगर आप यहाँ पर रह रहे हो कोई चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, बिजली पानी सब फ्री। अच्छा, तो यहाँ पे कितने ज्यादा वो वॉशरूम और कितने नहाने का स्नान घर बने हुए? लगभग 400 वॉशरूम्स हैं और नहाने के लिए महिलाओं के लिए बड़े बाथरूम बने हुए हैं। सकते हो आप ये अच्छा अच्छा महिलाओं के लिए अलग से बने हुए हैं और पुरुषों के लिए बाहर खेलियां बनी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर कितना आदमी एक साथ आ जाता है? एक टाइम पे 1000 आदमी आते हैं। चार फ्लोर है टोटल, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4000 आदमी आते हैं एक टाइम पे। मतलब 4000 आदमी एक साथ यहाँ पे, एक फ्लोर पे 1000 और टोटल 4000। मतलब किसी चीज की परेशानी नहीं? सब चीज की सुविधा, परेशानी नहीं है। ठंड को लेके पर्दे भी लगाए गए यहाँ पे, अरे जो हर फ्लोर पे लगे हुए। इस बार ठंड को देखते हुए लगाए गए। जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में दुकानें लगती है कपड़ों की, जैकेटों की, तो वैसे यहाँ पे भी लगती है। कायर मिसम स्थली में तो ये सब स्वेटर वगैरह जो भी है वो सब लेकर आए हुए हैं। ये देखो, तो जैसी गई आप लोग देख सकते हो कायर मिसम स्थल में दुकानें लगना भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी दुकानें लगती है। आप लोग देख सकते हो कपड़े की, मतलब अभी सर्दी है ना तो सर्दी का आइटम आप लोगों को देखने मिलेगा, कपड़े, जैकेट, कंबल वगैरह सब कुछ। और सारी दुकानें मतलब लगभग तो लग चुकी है और मतलब जुमेरात से पूरा स्टार्ट हो जाएगी और दुकान वगैरह सब कम्प्लीट हो जाएगी, पब्लिक वगैरह भी आने लग जाएगी। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, तो आप लोग आ सकते हो, रुकने की फ्री में व्यवस्था होती है कायर मिसम स्थल में। तो जैसी गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी अजमेर शरीफ उर्स में आता है तो दरगाह के वहाँ पे रूम नहीं ले पाता क्योंकि हाउसफुल भी होता है और काफ़ी महंगे महंगे रूम मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कायर मिसम स्थल में आके रुक सकते हो और जहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारी दुकानें वगैरह और रहने के लिए फ्री में मुफ्त में व्यवस्था मिल जाएगी, आप लोग आराम से रह सकते हो बिना चार्जेस के। और आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह जाना है तो यहाँ हाईवे से आप लोगों को बाहर से टेम्पू बस वगैरह मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह छोड़ देंगे। अगर जब आप लोग यहाँ पर रुकते हो तो यहाँ से आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह जाना, तो आप लोगों को यहाँ बाहर से ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जो आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह छोड़ देंगे। जैसे आप लोगों को वैन में जाना हो तो वैन में भी जा सकते हो और ऑटो वगैरह में जाना हो तो ऑटो वगैरह में भी जा सकते हो। और खाने पीने की बाहर भी व्यवस्था है, तो जैसे ही गाइस मैंने कायर मिसम स्थल की पूरी वीडियो बना दी है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय।